है और आज मैं आपको सिंपल सी दाल और पालक की रेसिपी दे रही हूँ और जो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन से ही मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया सबसे पहले थोड़ा सा ये होल गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा वो है सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, ये है कार्डमम, दो इलायची और चार लौंग और चार काली मिर्च और चुटकी सा साबुत जीरा, ये हमने अपने पॉट में डाल दिया। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ये आप अपने उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, दाल है तो थोड़ा सा ऑयल हम लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे एक टीस्पून। पहले हम लोग इसके अंदर डालेंगे ये अनियन, एक मीडियम साइज का अनियन मैंने चॉप कर लिया, चॉप करके इसके अंदर हम लोग एक गार्लिक है होल पूरा लहसुन उसको हमने चॉप कर लिया और चार ग्रीन मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ये अच्छी तरीके से साफ कर लें, ज़ाया कुछ भी ना करें। देखें ये मैंने आपको पहले बताया गरम मसाला पहले डालना है और गरम मसाला डालने के बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये भी हमने साइड में डाल दिया। गरम मसाला हमने पहले डाला है और ये मैंने आपको बता दिया है, बाद में मत कहना एलेन आपने बताया नहीं, मैंने बताया था आपको याद नहीं। ये इस तरह से फिर आप चलाएंगे, ठीक है, और इसको ब्राउन नहीं होने देना है। जिंजर गार्लिक होल गरम मसाला, ग्रीन चिली, लहसुन और प्याज ये डाला है। मसालों में जाएगा ये पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्च थोड़ी सी, ये करी पाउडर। ये 5 मिनट से 8 मिनट के अंदर टमाटर डल गया और ये इस तरह से आया पूरा, मैंने उसको ड्राई नहीं किया और इसके अंदर पानी नहीं डाला। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पालक। पालक मैं उसको कट करने के बाद फ्रीज कर देती हूँ तो ये पालक चला गया। फिर ये आप महीनों भी आप इसको कट करने के बाद और इसको ड्राई कर लें इसका पानी, और इस तरह से आएगा तो आप पैकेट बना के रख सकते हैं फ्रीजर के अंदर। जब ये अच्छा पालक आ गया, पालक के अंदर ये देखो पालक ये अभी थोड़ा सा वो है, इसके अंदर आप लोग डाल दें ये जो आपने दाल चने की दाल बॉईल की थी अदरक लहसुन के साथ में, ठीक है। अब ये आप इसको, ये थोड़ा दल गया है तो आप थोड़ा पानी रखेंगे, ये पानी के साथ आपने दाल डाल दी, नमक आप फिर टेस्ट करेंगे दाल और पालक डालने के बाद। ये हमारा पूरा चला गया, तब तक ये पकाएंगे जब तक ये पूरा इसका पानी ड्राई ना हो जाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये देखें पहले से हमारी दाल पकी हुई थी, हमारी पालक पकी हुई थी, ठीक है, और ये
10 मिनट बाद मैंने इसको खोला, ये ड्राई हो गया। अब इसके देखें, तेल इतना रखें कि ज़्यादा भी ना हो और ना कम हो। ये पूरी पक गई है, हमने दम रखा इसको 5 मिनट के लिए और फिर इसके ऊपर गार्निश कर दिया थोड़ा सा ये हरा धनिया के साथ में, ठीक है। और इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं गरम गरम, या नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। अपना बहुत ख्याल रखना। लव यू ऑल।